आज जो है क्लास 10 हिंदी का जो है गद्य खंड का दूसरा चैप्टर जो है इस किदात का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 50% के अप्रोक्स में है। ये अगर आप आत का लेते हैं तो 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में जो है हर बार आता ही आता है। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? सेन साहब के जो है पास किस रंग का मोटर कार है? तो आंसर हो जाएगा काला रंग। किस रंग का है? काला रंग का मोटर कार था। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत जो है वो विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ से लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी शब्द का अर्थ क्या होता है? बाकी मतलब होता है परिचित। बाकी शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में। कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलोचन के कविताओं से। किसके द्वारा? नलिन बिलोचन के कविताओं के द्वारा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तथ्य समग्रता से उभर कर आए हैं? तो हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ये जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो कहानियां हैं वो एक मनोवैज्ञानिक है, मन से गढ़ा हुआ कहानी, ये सच्ची घटना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो हो जाएगा मध्यम वर्ग का। किसका? मध्यम वर्ग का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ये बंगला का है। किस भाषा का शब्द है? बंगला भाषा का शब्द है। बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। ठीक है, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या अर्थ होता है? ड्राइवर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किसने कहा था ऐसा शब्द? तो सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में मृत्यु उनका हुआ था। ठीक है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो उसके वो अपने पिता जो है ना, मदन के पिता का नाम था क्या था? पिता जो है उन्हीं के पिता से जो है पीटा करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बताओ आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगला है कि गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिताजी हैं, और मदन के पिता ही जो इनको जो है मदन को अक्सर पीटा करते थे। किसे कहने पर? तो सेन साहब के कहने पर। ठीक है, किसे कहने पर? सेन साहब के कहने पर पीटा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी वो कैसी थी भाई? तो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे?
तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या क्या इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, कासु किस खेल में जो है मदन के साथ शरीफ होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था, तो था लट्टू के खेल में, किस में, लट्टू के खेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासु के कितने दांत तोड़े थे, तो दो दांत, कै दांत तोड़े थे, दो दांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन छूट गया, मदन ने कासु के कितने दांत तोड़े थे, उसके पहले जो है कासु मदन के साथ किस खेल में शामिल थे, लट्टू के खेल में। और अगला क्वेश्चन जो है, हाँ यहाँ मदन की उम्र क्या थी, तो 5-6 साल, मदन की उम्र कितना था, 5 से 6 साल, ठीक है, 5-6 साल का था। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे, यानी किरानी के काम करते थे, तो सेन साहब के फैक्ट्री में, किसके फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए, सेन साहब जो है किसके बैंक से ऐड कर रह गए, तो हो जाएगा पत्रकार महोदय के बैंक से, ठीक है, बैंक मतलब मजाक होता है, ठीक है। अगला जो है, मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का, मदन किसका पुत्र था, गिरधर का। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या है, ये क्या है, कहानी है, निबंध है, चित्रकला है, क्या है, तो ये कहानी है, क्या है, विष के दांत क्या, एक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत है, तो बताओ सेन साहब की जो कार की कीमत था 7,500 रुपये, कितना था, 7,500 रुपया था, ठीक है, किनका, सेन साहब का जो है। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की जन्म कब हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो जाएगा 18 फरवरी 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो पंडित रमावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा, क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, किसकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पर गर्व है, तो किसी किसे, माता पिता को, किसको, माता पिता को, ठीक है, ये हो जाएगा माता पिता को, माता पिता को, चाचा चाची को नहीं बल्कि माता पिता को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, हो सकता था, तो था आंसर क्या हो जाएगा, खोखा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, खोखा से, ठीक है। ये हो गया 32 क्वेश्चन, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब जो है, सेन साहब की आँखों का तारा है, सेन साहब का जो है आँखों का तारा कौन है, तो खोखा है, सेन साहब की आँखों का तारा कौन है, खोखा है, ठीक है। अगला, खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने, खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, ये विष की दांत की पंक्ति है, विष के दांत की पंक्ति है, ठीक है, इसमें पढ़ा पढ़ने का होता है, क्योंकि खोखा जो है अमीर था और मदन क्या था, गरीब था। अगला जो है, सीमा रजनी आलो सुफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो खोखा की बहनें थी, किसकी बहनें थी, खोखा की बहनें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब जो है खोखा के पिताजी थे, उन्हीं का कहना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो आंसर हो जाएगा मार, मार खाना उनके लिए मामूली बात थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनका
सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार। अगला क्वेश्चन है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक जाता है, ललक गया बताओ? तो हंस। कौवे की जमात में जो है कौन शामिल होने के लिए ललक गया? तो हंस। हंस जो है खोखा को कहा गया है और कौवा जो है मदन को कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी? एस्टिमल इन कोची एस्टिमल इंड थी, क्या थी? एस्टिमल इंड थी, नाम था उनका कार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस्टिमल इंड हो गया। सेन साहब ने किस खूब फटका, किसे खूब फटका लगाए बताओ? सेन साहब ने किसे खूब फटका लगाया था? तो गिरधर को, कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, चोर है, बदमाश है, आगे चलकर जो है गलत गलत काम करेगा, है ना, बदमाश बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। किसको फटकार लगाया था? गिरधर लाल को, ठीक है, मदन के पिता को। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो किससे नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। किसकी? सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार का चमक दमक का कोई खतरा नहीं था, तो हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है गिरधर लाल जो है निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और जो था सेन साहब जो है मध्यम वर्ग गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, तो क्या चीज़ की? नवीनता के लिए। किसके लिए? नवीनता के लिए। किसके लिए? नवीनता के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है 46 क्वेश्चन करवा दिया गया है, ये जो है आप अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें जो है 2024 के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें, ठीक है। आपके लिए ऐसा ही वीडियो जो है बनाने के लिए जो है रेडी रहेंगे। ये 2024 का जो है टारगेट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है, मॉडल पेपर है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।